गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अभी उठे हैं जल्दी, 7:30 हो रहा है और ये नज़ारा देखिए क्या सुंदर व्यू है। ये रिवर है, मनीष अभी पिक्सी को घुमा रहे हैं। पिक्सी पिक्सी कर ली। सो आ गई अपनी मस्त चाय। थैंक यू। क्यों भौंक रहा है? इधर आ, कमी है। अरे लड़की कमी है। रिवर साइड बैठ के अच्छा लग रहा है ना धूप में। पिक्सी मजा आ रहा है धूप में। यहाँ पर हम लोगों ने बारबेक्यू किया था मस्त, कल रात को मजा आ गया। एक चाय में भला नहीं हुआ ना। ए पिक्सी दूसरी चाय। ए लो पिक्सी। थैंक यू। नो उसको बर्दाश्त नहीं किए आ गया। Like a light lighting up in the dark, you make it right. I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. नहा धो लिए, फ्रेश हो लिया और अभी बाहर बैठे हैं, ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पराठे बन रहे हैं। सो हिमाचल में भी पराठे बहुत फेमस है। इट सीम्स जहाँ भी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में पराठे ज़रूर मिल रहे हैं, है ना? पराठा, दही, अचार, ब्रेड ऑमलेट स्पेशल अगर आपको चाहिए तो। व्यू कितना सुंदर है देखो। सो ये आ गया हमारा नाश्ता इस व्यू के साथ। आप ये देखो, पानी बह रहा, झरना, बाहर माउंटेन, क्लियर स्काई और पलवी बैठी हुई है। या पराठे पराठे बढ़िया पराठे गर्मा गर्म। आज का क्या प्लान है तुम बताओ? आज का प्लान क्या, पहले ये बताओ पराठे कैसे हैं? पराठे बढ़िया है, टेस्टी हैं। कहते हैं चाय के साथ दही नहीं खाना चाहिए, हम लोग वही उल्टा कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं दही भी खा रहे हैं। एनीवेज तो आज का प्लान फिशिंग करने चलते हैं, पहले ट्राउट देखते हैं ट्राउट मिलती है कि नहीं। फिर आस पास जाएंगे, कोई जैसे जलोरी पास था ना वैसे कुछ यहाँ पर एक है, थोड़ा सा ट्रैक है। लेट्स सी अगर हम जाते हैं वहाँ पर व्यू एंजॉय करेंगे और फिर रात अपना फिर से वही बारबेक्यू और इस बार ट्राउट बारबेक्यू कराएंगे। वैसे हम लोग का अभी तक कोई बुकिंग नहीं था तो हम लोग सोचे आगे निकल जाते हैं और जीभी या बंजर में रुकेंगे, लेकिन आज सैटरडे है तो सब जगह फुल है तो यहाँ पर कमरा खाली हुआ है। कल तो नीचे मिला था, हम लोग लेट बुकिंग किए थे, तो आज एक बढ़िया सा कमरा ऊपर मिलेगा विद द व्यू, सो वहाँ रुकते हैं। बढ़िया, तो एक और दिन एंजॉय करेंगे। हमको ये वैली पसंद आ गई, सबसे अच्छी बात ही तो हमें लेपर्ड दिखा। और रात को इस साइड में यहाँ पर फॉक्स आ जाते हैं या वो जो आप बोलते हो जैकल्स भी हैं,
यहाँ पर, तो इनके जो कुत्ते रात को भौंकना शुरू कर देते, और रात को 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे कुत्ता इतनी तेज भौंक रहा था, हाँ कंटिन्यूस अजीब सी साउंड निकाल रहा था, तो उससे लगा कि हो सकता है देयर वाज सम लेपर्ड या फिर कुछ और जानवर रहा होगा। यहाँ के कुछ बताते हैं कि यहाँ पर सब लेपर्ड वेपर्ड इधर तक आ जाते हैं रात को, कुत्ते उत्ते उठा ले जाते हैं, लेकिन छोटे वाले ये कुत्ते तो बहुत हदकाने हैं। ये कितना अच्छा सा है। ये देखो पूरा शेर जैसा दिखता है। ये इसको देखो ले चले क्या इसको। ये वाला देखो झबरी वाली, कितना पंजा देखो इसका कितना हैवी है। लेकिन ये सब यहीं के लिए बने हैं ठंडकों के लिए, हम लोग क्या गर्मी में पागल हो जाएंगे। कितना सुंदर कुत्ता है। आओ, अरे भागो नहीं, आओ आओ इधर 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 आओ। आए, क्या हो रहा है, क्या कर रही है? धर लिया ना उसने तुम्हारा पैर मुंह में, इंजेक्शन लगवाने बहुत दूर जाना पड़ेगा। वो उतना ही फ्रेंडली हो जितना। सो बढ़िया नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। हम लोग का रूम भी चेंज हो गया है, ऊपर वाला रूम मिला है हम लोग को, सामान वहाँ ट्रांसफर कर दिया, और अब चल रहे हैं थोड़ी सी साइट सीइंग करने। देखते हैं गुडा गुसेनी में क्या है देखने के लिए। तो पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी एक 360 डिग्री व्यू है, और उधर फोर्ट भी है और टेंपल भी है, तो व्यू देखेंगे ऊपर, और फिर वापसी में वही नेशनल पार्क होते हुए आएंगे। तो थोड़ा सा, फिर 4 बजे के बाद फिशिंग स्टार्टेड है, तो वील डू सम फिशिंग। चलिए आज का दिन ऐसे ही जाएगा, लेट्स सी आज अगर फिर से लेपर्ड मिला तो आपको फिर से दिखाएंगे। और ये अटेंडम प्लान था, पहले हम लोग तो जा रहे थे, सब पैकिंग वैकिंग होगी तैयार होगी, तो हमने बोला कि अगर आप ऊपर का रूम दे दो और कैंसिलेशन हो रहा हो तो रुक जाएंगे, कह रहा सर नहीं है। बाद में फिर उसने देखा तो वो उसको शायद कुछ कैंसिलेशन आया था, तो उसने कोई एडजस्ट करके दे दिया, तो बढ़िया है, फिर हमको कहीं और जाके मतलब फिर से कहीं चेक इन नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि कसोल या तोश या फिर ये गुसैनी करके एक जगह है तीर्थन वैली में, वहाँ जाके रुके, लेकिन अभी तीर्थन और ये बराबरी एक जैसा ही है, और प्लस दूसरी बात ये है कि आपका कसोल और तोश बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। सो विल डू अ डे ट्रिप देयर, करते हैं अगले वीकेंड में, तो अभी बस यहीं पर इंजॉय करते हैं। क्या सुंदर व्यू है, अब देखिए पाइन ट्रीज और नीचे ये छोटी सी नदी बह रही है जो हमारे होमस्टे से भी गुजरती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगासी करके एक जगह है जहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है, तो वहाँ के लिए मैप हमने लगाया तो दिखा रहा है कि 124 किलोमीटर, मतलब घूम के दिखा रहा है जबकि है पास में ही, तो गूगल रोड नहीं दिखा रहा है। तो अभी पहले एक खौली करके एक विलेज है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हम लोग को राइट लेना पड़ेगा ऐसा कुछ है तुगासी के लिए। और अभी हम लोग वही जो फॉरेस्ट एरिया है, कल के वीडियो में आपने देखा होगा एक लेपर्ड हम लोग ने स्पॉट किया था, तो उसी तरफ से होके जाएंगे। ये पहुंच गए हैं हम लोग खौली, और ये खौली का विलेज है शायद, खौली विलेज, और यहाँ से आगे आधा किलोमीटर में तुंगासी के लिए रोड ऊपर जाएगी। खौली यहाँ पे एक रोड जा रही है ऊपर, लेकिन हम लोग को जाना है इस तरफ। इधर का व्यू देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर। ये क्या गाय तो अभी भी है, रात भर जिंदा रह गई। वही वाली है ना मुर्गिल्ली। So गाय जिंदा है, so लेपर्ड ने अटैक नहीं किया। वाओ, क्या सुंदर व्यू है।
नया पत्ता है ना आगे, ऐसा लग रहा है जैसे बेल जैसा है और पाइन फ्रूट भी आ रहा है, बहुत सही लग रहा है। देखो ये पाइन अलग है, दिख रहे हो? हाँ, ये लंबे लंबे हैं और ये वाला अलग है। इस पेड़ की हाइट देखो आप, क्या मस्त है, गगनचुंबी है जैसे। यहाँ से अभी हम लोग को ये रोड पकड़ना है, तो ये है तुगासी के लिए रास्ता। वहाँ पर टेंपल भी है, फोर्ट भी है और व्यू देखिए, सामने भी रोड जा रही है, हमें वैसे तो राइट जाना है। भैया तुगासी के लिए रास्ता किधर है? यही है। थैंक यू। आगे जो गाय है तब से दौड़ रही है, उसको लग रहा है कि हम लोग पीछा कर रहे हैं उसका और व्यू देखिए आप यहाँ से, क्या मस्त व्यू है। अरे हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं, क्यों दौड़ रही हो, एनर्जी वेस्ट कर रही हो। इस तरफ स्ट्रेट एक रोड जा रही है, ऊपर कुछ तो मंदिर है शायद। अभी हम लोग को इस तरफ जाना है, राइट आ गए हम तुम्हारे पीछे पीछे। भागो 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 भागो, हम तुम्हारे ही पीछे कर रहे हैं, भागो पिक्सी भो पिक्सी भो पिक्सी भो। सामने का क्या व्यू, आगे देखिए स्नो। होमस्टे वाले भैया ने बताया था कि स्नो मिलेगी, थोड़ी बहुत पैच तो मिल गई हमको पिक्सी स्नो। सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पे हिमाचली पहाड़ी डांस कर रहे थे कुछ लेडीज, कुछ तो वीडियो शूट हो रहा है तो हम भी डांस किए। आप देख सकते हो ये पॉइंट कितना सुंदर है, ये 360 व्यू मिल रहा है। ये तुंगासी में है, ऊपर एक मंदिर है, वहाँ के लिए थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, लेकिन आप ये व्यू देखिए क्या जबरदस्त व्यू है। हाँ, हमारी कार पार्क है, मनीष अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं, यहाँ पे लेडीज लोग डांस कर रहे हैं हिमाचली पहाड़ी डांस। Now I know why I never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. We'll be right back.
पल्लवी राजमा चख रही है कि अगर अच्छा है तो खाएंगे हिमाचली राजमा। लो ये लो, चख के देखे पहले। हाँ निकाल दे, लो चखो। पहाड़ी राजमा टेस्ट अच्छा है। सो चलो अब चलते हैं इस सीनिक व्यू को अलविदा कहते हैं। बहुत ही मजा आया, लेकिन ऊपर देखो वहाँ दूर दूर तक हम लोग को स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं और किन्नर कैलाश है। हम लोग वहीं से आए थे, बिल्कुल दूर देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में वो पहाड़ियाँ हैं जो टाबो वाली थी और राइट साइड में किन्नर कैलाश। बहुत ही खूबसूरत। हाँ धूप है, इतनी धूप है लेकिन बर्फ पड़ी हुई अभी भी। ये देखिए गर्मी और लेकिन बर्फ जमी हुई है, क्या तगड़ी वाली। धूप भी पड़ रही है लेकिन गल नहीं रही है, लेकिन हवा ठंडी है। फुल मजा। सो इन हसी वादियों में ड्राइवर का एक्सचेंज हो गया आदान प्रदान, और पल्लवी ने कहा कि हम चला पाएंगे कि नहीं। हमने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो बस बैठो चला लो और हम तुम्हारे बगल में बैठते हैं। आज बसंती जीने मरने का सवाल है, आज ये बसंती इस धन्नों को चलाने वाली है, और आज हमारी इज्जत का सवाल है, है? आज इज्जत का नहीं मरने जीने का सवाल है, बचा लेना भाई। अरे 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 क्या चला रही है, अरे अरे ब्रेक एक्सीलेटर क्या हो रहा है ये, अरे अपने आप जा रही है गाड़ी। स्टार्ट तो करो गाड़ी को, स्टार्ट गाड़ी बिना स्टार्ट की चल रही हो, क्या बोल रहे हो, गाड़ी स्टार्ट है, कंफ्यूज ना करो, ये क्या है। अपने आप तो जाएगी। अरे 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 ऐसे मत ले जाओ, देखो पिक्सी भी डर गई। पहले क्या कर रही हो, अरे अरे स्टार्ट करो गाड़ी भाई। अरे 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 ये स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा तो मोड़ नहीं पाओगी, तुमसे गड्ढे में चला जाएगा। मैं नहीं चलाऊंगी, जाओ। नहीं चलाओ, चलाओ। मैं नहीं चलाऊंगी। अरे चलाओ, चलाओ तो चलो। अपने आप जा रही है। अरे अपने आप तो जाएगी ढलान पे, चलाओ। नहीं आओ। ये कौन सी बात है पल्ली, आओ आओ प्लेन में चलाऊंगी। यहाँ पे घर कैसे एकदम पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, अच्छा भी लग रहा है। हाँ उसमें सीमेंट नहीं डालते हैं क्या, क्या ब्यूटीफुल झरना है ये, मस्त, क्या बढ़िया झरना यहाँ भी है। थोड़ा ऑफ रोडिंग करके ले आए हम गाड़ी यहाँ से, मस्त। ये देखिए दूर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, बच्चे धूप में बैठ के, देखो ठंड के दिनों में ऐसे, मुझे भी याद है हम लोग को भी ऐसे बाहर बैठाया जाता था। क्या भयंकर काले बादल आ रहे हैं पले, बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, ये तो पक्का है। फिशिंग प्लान हमारा चौपट हो जाएगा, लेकिन मछलियां खुश हो जाएंगी, बारिश आते ही सब उछलने लगेंगी बाहर। सो आज का ट्राउट तो गया पले तुम्हारा, फिशिंग नहीं हो पाएगा लेकिन ट्राउट तो खा सकते हो ना। हाँ ट्राउट तो खा सकते हो, तो फिर वो जो फ्रेश वाटर से निकाल के पका के उसका जो टेस्ट होगा, वो मरी हुई ट्राउट का क्या होगा जो पहले से फ्रोजन है। नहीं नहीं वो फार्म से लेके आएगा बोला था ना। फिर फार्म में भी वो टेस्ट कहाँ जो आप वाइल्ड पकड़ोगे, फार्म इज लाइक जैसे तुम ब्रॉयलर खा रहे हो रादर देन देसी चिकन जो रोड पे भाग रहा हो। तो मुझे तो लगी है तगड़ी वाली भूख, 4 बज रहा है और भी हम गदा गुसेन की मार्केट एरिया में आए हैं, तो यहाँ पे एक ढाबा टाइप्स है, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिल जाता है। मुझे राजमा चावल लोकल कुछ खाने का मन कर रहा है, लेट्स सी यहाँ पे पहाड़ी खाना क्या मिलता है। राजमा और
दाल है और कोई एक सब्जी भी। सब्जी कितने रुपए का है थाली? 70 रुपए। रोटी भी रहता है क्या इसमें? रोटी भी लेना हो तो ले सकते हो। खाओगे खाओगे रोटी? तुम तो रोटी नहीं खाओगी, राइस खाना है? हमें नहीं खाना। ये है राजमा, ये है सब्जी आलू बैंगन, ये है माचना। माचना माचना जी यहाँ का स्पेशल है ना? करेक्ट, बढ़िया। सो पहले भी टेस्टिंग ऑथेंटिक हिमाचली खाना। खाना अच्छा होगा वैसे। आई कैन स्मेल इट, स्मेल से ही लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मैं नहीं खाऊँ, तुम खाओ, तुम खाओ। चलो आराम, चलो पकड़ पकड़ के फिसलना मत। हम लोग आए हैं अभी ट्राउट फिशिंग करने। सो पहाड़ों पहाड़ों से, पत्थरों पत्थरों से, ऊंची नीची पगडंडियों से गिरना मत। Like a light lighting up in the dark, you make it right. I forgot how to act. It's so plain. चलो चलो कूदो, बीच वाले पे जाओगी? हाँ? बीच में जाना है? जा पकड़, आम उनको पकड़। हाँ मस्त आराम से। हाँ ये बात, अभी हम इस पे जाते हैं। हाँ ये बात। चलो उधर कहाँ तक चला गया है मछली मारने, पकड़ में आई? जाना आराम से। क्या क्या हुआ? फिसल गई थी। इसे बोलते हैं हाइकिंग शूज पहना करो, सोलोमन वाले। कह रहा है कि एक पीस है उधर, दिख रहा है। तो ट्राउट तो मिली नहीं वहाँ पर। अभी होटल रेस्टोरेंट के सभी होटल के पीछे आए हैं, यहीं पर देखते हैं जो भी मिल जाए। ये नाला बना रखा है। ये सर लोकल चक्की नहीं बोलते जिसको? हाँ जो पानी की मदद, ओ हाँ करंट बनाता है। ओ अच्छा, ये उसके लिए वहाँ पे आटा ग्राइंड करेगा, गेहूँ डालेंगे और पानी इसको चलाएगा। ओ पानी से आटा गेहूँ, अरे वाह। ये वो है। सो देख लीजिए ट्राउट को पकड़ने कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। पानी देखने कहाँ गहरा है, कहाँ पर मछली है। लोगों ने यहाँ पर करंट वाले वायर डाल रखे हैं मछली मारने के लिए, तो इसलिए बहुत कम हो गई मछलियाँ। किधर दिख रहा है? सो ये है शाहरुख खान वाला सिस्टम जो विदेश मूवी में बनाया था उसने। जैसे बिजली उत्पन्न होती है और अंदर आटा चक्की चलती है। ये देखिए पकड़ में आ गई मछली बहुत देर बाद। हाँ नीचे को आ रहे, ऊपर जा, नीचे से करूंगा फोन। मान गए भाई, आ गए। ये हमारा ट्राउट फिश, अरे वाह, पहली सफलता। सो ये है ट्राउट, जैसा तो अच्छा खासा बड़ा ट्राउट है। सो ये है ट्राउट फिश। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ एफर्ट्स हम लोग को ये मिल गया। तो आज ये बारबेक्यू में जाएगा और हिमाचल की ट्राउट बहुत ही फेमस है और फ्रेश खाने का मन था, इसलिए अभी ये तो एक हो गया, अभी पल्लवी के लिए भी लेना है।
रूम पहुंच चुके हैं और अभी आपको मैं एक रूम टूर देती हूँ ऊपर वाले रूम का जहाँ पे हम लोग ने आज सुबह शिफ्ट किया है। सो ये अच्छा रूम है, अच्छे व्यू के साथ है। सो ये रहा ऊपर वाला कमरा, यहाँ पे बेड है, टेबल, फिर व्यू देखिए, बड़ा सा मिरर है। सो पूरा व्यू मिलता है, पिक्सी स्पेशियस है, नीचे वाला तो बहुत छोटा सा था। और ये वॉशरूम, बाहर वॉश बेसिन दिया है। सो नाइस, प्रीटी नाइस रूम। और बाहर का मैं व्यू दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए व्यू ऊपर से, नाइस व्यू। बाहर अभी खूब बारिश हो रही है तो आज बारबेक्यू तो प्लान चौपट हो गया लग रहा है। फिर भी वेट करेंगे 7-8 बजे तक। फिश भी पकड़ी है, एकदम फ्रेश वाटर फिश। तो उसका क्या बोला है, तंदूर बोला है कि फ्राई बोला है? सो वो भी अभी सोचा था वही बारबेक्यू करेंगे मस्त चिकन के साथ, लेकिन अब देखो अगर बारबेक्यू नहीं हुआ तो वे तवा फ्राई करेंगे। हाँ वो भी चलेगा, ठंड भी काफ़ी है। आज ठंड बहुत है, बारिश हो गई है और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। पिक्सी को पैक कर दिया है, बहुत ठंड है, पिक्सी ठंडा जाएगी वहाँ पे, और ऐसे भी थक गई है बेचारी, तो उसको रहने देते हैं, हम दोनों चलते हैं। सो आज मनीष ने जो 2 फिश पकड़े हैं तो उसका होगा फ्राई, कुछ तो होगा शायद, और चिकन बारबेक्यू। सभी ये मैरिनेट करेंगे ना, क्या कैसे करेंगे? इसमें मैं चौ मसाला बनाएंगे, थोड़ा मैं और मसाला होगा कुछ अपना स्पेशल। अच्छा चलिए बढ़िया। कितने देने वाले हैं आप? दो ही चाहिए ना? हाँ हाँ, एक 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 आप एक एक दे दीजिएगा, एक अभी मिल जाएगी अभी जो फ्रेश। अरे वाह, अरे वाह, सही है ठीक है ना? So, ये है हमारा आज का चिकन बारबेक्यू। सही है। दो घंटे ये बारबेक्यू होने के बाद अभी जाके रेडी हुआ है, 11 बज रहा है। ये चपाती, बटर चिकन एंड राइस, सो मस्त। एंड पिक्सी इज ऑल्सो हंग्री, राइट पिक्सी?